please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आजादी के महज 39 साल बाद यानी कि सन 1986, अभी देश इमरजेंसी के हालात से ठीक से उभर भी नहीं पाया था। यही वो साल था जिसमें सिक्का ग्रुप नॉर्थ इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले रियल स्टेट ग्रुप बनकर उभरा। 3 दशकों तक इस ग्रुप ने रियल स्टेट के बाजार में क्रांति बनाई थी। कभी अपने प्रोजेक्ट से, कभी अपने समय पर डिलीवरी करके, वक्त के साथ साथ सिक्का ग्रुप की किस्मत का सितारा भी बुलंदियों को छूता रहा और ये लोगों के सपनों के घरों को हकीकत में बदलते रहे। उसके बदले में लोगों ने भी इन्हें खूब प्यार दिया और इनकी टैगलाइन अ बेटर टुमारो अ बेटर लाइफ पे यकीन किया और इनके खूब फ्लैट बिके। सिक्का ग्रुप का साम्राज्य अभी 6 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इस साल ये अपना साम्राज्य 15 मिलियन स्क्वायर फीट में और बढ़ा लेंगे। लेकिन ये बात थी अतीत की जो सिक्का ग्रुप को बहुत ही भरोसेमंद बताता है। मगर ये अतीत है जनाब, काम अतीत से नहीं चलता, वर्तमान से चलता है। सिक्का ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट्स पर काम लगभग ठप पड़ा है। रियल्टी मीडिया ने पता लगाया है कि हाल ही में सिक्का ग्रुप ने अपने 3 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए देश के प्रमुख बैंक से 230 करोड़ रुपए का लोन भी लिया था और कहा गया था कि इस लोन की मदद से नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 143 स्थित सिक्का कर्णम, सिक्का कामना और सेक्टर 39 स्थित सिक्का किमात्रा ग्रीन्स का काम पूरा किया जाएगा। लेकिन अब तक तीनों प्रोजेक्ट्स में पोजीशन मिलना तो दूर, काम भी अधूरा पड़ा है। सिक्का की निवेशक अंजुला श्रीवास्तव ने रियलिटी मीडिया को बताया, 2012 में। हाँ नहीं, ये लोग हमेशा डिले हो जा करते हैं। हम ईमेल से पूछते हैं तो अलग अलग डेट बताते हैं। मैंने लेटर भेजा कि भाई कब पोजीशन दे रहा है, तो लेटर का जवाब नहीं दिया। और इनके जब भी आते हैं ये लोग नई नई डेट बताते हैं। यानी एक तरह से हम लोग यही सोचते हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें श्योरिटी नहीं है और हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं क्योंकि हमें सही जवाब कहीं से भी मिलता नज़र नहीं आता। अभी तो कह रहे दिसंबर में देंगे, 31 दिसंबर पर पोजीशन देखकर लगता नहीं कि मिलेगा करके। आपका अगला कदम? अब हम परेशान हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं लीगल वे से जाएंगे तो ठीक रहेगा। एक अन्य निवेशक ने रियलिटी मीडिया से अपनी बातचीत में बताया, आज फिर मालूम है, अभी वो उनके साथ मीटिंग है सिक्का साहब के साथ, फिर कोई नई डेट दे देंगे। सिर्फ टाइम हर बार। अभी जो करंट डेट है वो उन्होंने एक वो फॉर्मेट बना रखा है +3 मंथ्स, तो अभी आज हम आए, हमें 100% श्योर है। अभी दिसंबर बोला था ना, अभी ये इसको मार्च कर देंगे, मार्च 2017। घर खरीदार पिछले 5 सालों से साइट के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गया है लेकिन उसे काम में कभी चुस्ती नहीं दिखाई दी। खरीदारों ने योगी सरकार और प्राधिकरण से इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें घर दिलाने की गुहार लगाई। इन प्रोजेक्ट्स पर जब नजर जाती है तो सिक्का ग्रुप की छवि कुछ धुंधली पड़ने लग जाती है और ऐसा लगता है कि सिक्का बिल्डर्स भी उन्हीं बिल्डरों के समूह में शामिल हो गए हैं जो आम जनता का पैसा लेने के बाद उन्हें झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं देते। रियलिटी मीडिया के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।